नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री राम। डरावना सपना देखा, देखा मैंने 1939 में डायरेक्ट डे एक्शन के तहत यहां वहां पूरे बिहार में हर तरफ सनातन धर्म मानने वालों की लाशें पड़ी है। कोई कुर्मी नजर नहीं आता, कोई यादव नजर नहीं आता, समझ में नहीं आता कि कौन दलित है, पिछड़ा है, सवर्ण है, बस लाशें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे चुके हैं, नई सरकार का गठन हुआ है, ओवैसी साहब अब जो हैं वो नए प्रधानमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी का, मायावती का, ममता बनर्जी का, सबका सहयोग उनको मिला है। आपको डर लगा क्या ये देख के, सुन के? एक मिनट, मेरे इस डर की वाजिब वजह है जो 2020 में है। पहले सुनिए, देखिए, समझिए। बेट की लड़ाई है और इस लड़ाई में इफ और बट की, अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कानून वापस जाएगा, कानून के बाद हुकूमत वापस जाएगी, सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात भी बहुत क्लियर करना है कि सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए जो करना है। मुस्लिम कम्युनिटी भी इसके लिए तैयार है, नौजवान भी इसके लिए तैयार है। तो ये किसी इफ और बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे, ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डिले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे, 20 फीट नीचे जाएंगे। समय हिंदू है तो 40 साल मुसलमान भी, 400 मुसलमान कितनों को मारेंगे, एक को मारोगे चाहे कितनों को मारोगे, सर हम भी देखते, कभी ना कभी तुम्हारा भी मौका आएगा। जिस दिन तुमसे बड़ा आ गया ना, उस दिन तुम्हें रोड पे जाके पटक पटक के मारेगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। शाहीन बाग का रास्ता खुलवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम इतना तो उनका जानना हक है कि आप किस तरफ खड़े हैं उसमें। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, आप जेएनयू में भी लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूँ मैं। मुसलमानों से बचाव जाए, हमें यहाँ दो परिवार के भी कम से कम 200 है, और हमारा भी हर अत्याचार से हमारा ने कोने प्रकार से कड़ भी जगह नहीं बच रही है, नहीं हम कर पा रहे हैं। चमार सभा है, चमरा सभा है, बात नहीं करते हैं। तो आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। मैंने अपने पिछले 10-15 वीडियो में बार बार आपको बताया था कि शाहीन बाग जो देश भर में छोटे छोटे शाहीन बाग बनाए जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे जैसे करतब करने की हमको जरूरत पड़ेगी, उस दिन क्या हम कर पाएंगे। शर्जील के चिट्ठियों को पढ़िए जो उसने मस्जिदों में बंटवाए, कि सिर्फ दंगा नहीं फैलाना, दंगा तो फैलाना है लेकिन दंगे के अलावे ऐसा कुछ करना है कि इंटरनेशनल न्यूज बने, इंटरनेशनल मीडिया इसको देखे, पूरी दुनिया पे ये उठे। इंतहा देखिए मोदी से नफरत की, इंतहा देखिए। और ऐसे शख्स को बचाने के लिए महान पत्रकार, नमस्कार, मैं मैग्सेसे अवार्डधारी, मैं बताऊंगा कि शर्जील की मां ही सच बोल रही है, उसके लैपटॉप से निकले हुए तमाम सबूत झूठे हैं, मोबाइल का व्हाट्सएप चैट झूठा है, मोबाइल ही नहीं उसके जो डिजाइन के हुए ये पत्रकार बता रहे हैं, ये सब के सब झूठे हैं, ये तमाम पत्र जो उन्होंने मस्जिदों में बंटवाए, दरअसल ये आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए बताया था। उन्होंने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक बार शांति का संदेश दिया था, भले ही उसके बाद कई बार उन्होंने भारत को मुस्लिम देश बनाने की बात कही हो, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ना चाहिए? हमारी तो इकोनॉमी गिर रही है। अगर आप मुसलमान बन के ही अच्छी इकोनॉमी में जी लेंगे तो क्या हो जाएगा?
दरअसल यही सब बातें रविश कुमार आपको समझाना चाह रहे थे। मगर मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि राजनीति का स्तर देखिए, फाइनली कपिल पकड़ा गया, मैंने आपको वीडियो में बताया था, फाइनली ये पकड़ा गया। भक्त कुछ भी हैं, इस दर्जे के बेवकूफ नहीं है कि शाहीन बाग में जाके गोली चलाएंगे, वो भी तब जब हम अपनी वैचारिक जीत के इतने करीब हैं। मुझे इस बात का संदेह था, मैंने तो अपने फॉलोअर्स के कमेंट्स पढ़े हैं, अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के कमेंट्स पढ़ता हूं, उनमें मुझे कोई बेवकूफ तो नजर नहीं आता। मुझे तो वो सब के सब समझदार नजर आते हैं जो अपना भविष्य देख पा रहे हैं। वो गोली जाके चलाएंगे ना, मगर कल जब पर्दाफाश हुआ है कि कपिल ने 2019 में ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद जो मैग्सेसे अवार्ड धारी जिन्होंने तमाम प्रोपोगेंडा बनाया था, आरफा खानम शेरवानी जी मेरी बात का जवाब नहीं दे, ऐसा नहीं कि उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा मेरा बात, इसलिए क्योंकि उनके ट्वीट की रिप्लाई में जो मैंने ट्वीट किया, लगभग 50 से ऊपर आरटी मिला है उसको और 104 या 5 लाइक मिले हैं, यानी हर बार उनको नोटिफिकेशन तो मिला होगा। दुनिया की सबसे कम्युनल खवातीन दूसरों को ज्ञान दे रही हैं कि मोदी जो है कम्युनल बना रहा है। अब जरा डंडा दिल्ली पुलिस घुमाए और पूछे कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाले आम आदमी पार्टी के जो ये कपिल है, इनको सदस्यता आपको पता है किसने दी थी? संजय सिंह ने। तो संजय सिंह भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। आज फिर से एक अपराधी खुलेआम गोली चला रहा है और मुझे तो आश्चर्य है कि देश की राजधानी दिल्ली में, जहां आज बजट सेशन हुआ, उसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, पूरी की पूरी सरकार मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी कहीं भी तमंचा दगा रहा है। इसको तमंचा स्कूल से निकले हुए लोग अपराध का अड्डा बनाना चाहते हैं दिल्ली को। ये कमाल है, इल्जाम भी संजय सिंह लगा रहे हैं, सदस्यता भी संजय सिंह ने ही उस आदमी को दी थी। क्रोनोलॉजी आप समझिएगा, एक अमानतुल्लाह खान है जो शर्जील के साथ लारा लप्पा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बागों में बहार है वाला गाना जो है वो संजय सिंह गा रहे हैं औरों के सामने, और ब्लैक स्क्रीन काली करके पीछे जो है मुंह काला करके अपना कपिलवा को सदस्यता दिला रहे। एक तरफ सरजिलवा है, दूसरी तरफ कपिलवा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये सब वही 1939 वाली पटकथा का शुरुआती दौर है। आप समझिएगा क्रोनोलॉजी। आपको एक बात हम बता दें, आप सबसे पहले प्राइम टाइम देखना बंद कर दीजिए, कहे कि प्राइम टाइम का पूरा रिसर्च करके वो क्या कहता है रविश भाई, हम सब आपको बता देंगे। ये रविश कुमार आपको बर्बाद, बहुत बर्बाद कर देगा। एक नंबर का धूर्त इंसान बताया, ये हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग दिल्ली के शाहीन बाग में ऐसा कांड करके आग लगा रहे हैं पूरे दिल्ली में, और खुद को कट्टर हनुमान भक्त बताने वाले अरविंद केजरीवाल, आप सबको जोड़िए, डॉट टू डॉट मिलाइए, आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगा। बीजेपी को सिर्फ बताया जाता है, बीजेपी उस स्तर तक गिरती नहीं है, नीचों की पार्टी नहीं है, पतित पार्टी नहीं है, समझे। जैसे ही पता चल गया कि कपिलवा जो है वो आम आदमी पार्टी से था और उसको संजय सिंहवा जो है सदस्यता दिलवाया था, संजय सिंहवा को खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, बरखा बीबी से लेके शहला रशीद, राणा आयुब, कोई नजरे नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ लकवा मार गया सबके जवान में। कमाल है, कल तक तो अनुरगवा चिल्ला रहा था बीजेपी आतंकवादी पार्टी आतंकवादी पार्टी, अभी आतंकवादिया जो है वहां से निकल रहे हैं, सरजिलवा के मुंह सिल जाता है
और ये लोग जो हमको कभी 20 फीट के नीचे दफनाना चाहते हैं, 2 फीट के नीचे दफनाना चाहते हैं, शाहीन बाग में फैसला हो गया, ना भारत का कानून मानेंगे ना कुछ मानेंगे, ये सब सेकुलर प्रजाति हैं। तो इन लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं ये 1939 में क्या करेंगे? हौसला तो बढ़ा रहेगा, सरकार जिस दिन गिरेगी, ये तो दिल्ली के लोगों को सोचना है, समझना है कि क्या वो ऐसे लोगों को वोट देना चाहते हैं जो दिल्ली ही नहीं पूरे भारत को इस्लामिक सल्तनत का वापस हिस्सा बनाना चाहते हैं। इनका तो ख्वाब ही यही है। एक मिनट, डर लग रहा है आपको, एक वो सच्चाई और बताते हैं। ये आपने सोचा था कि कभी ये औरंगजेब रोड, ये जहांगीर रोड, ये काहे बना? सोचे, आपको हम बताते हैं। ताकि हमने आप पे राज किया, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमको लगा इस देश में दो ही राजा पैदा हुए होंगे, एक नेहरू पैदा हुए थे, दूसरे जो मुगल वाले हैं। कह के देखते थे लोदी वंश, ये तो हालांकि लोदी डायनेस्टी से, लोदी रोड है, औरंगजेब रोड है, अकबर रोड है, जहांगीर रोड है, बचा खुचा रोड महात्मा गांधी रोड है, नेहरू रोड है, और इंदिरा गांधी रोड है, राजीव गांधी रोड है, बचा क्या? और तो भारत में महापुरुष पैदा हुआ नहीं है। लेकिन फिर हम मुंबई जब गए एक बार तो देखे कि नहीं, यहां तो छत्रपति शिवाजी का भी रोड वगैरह है। क्यों है? क्योंकि वहां पे सत्ता पे वो थे। जो सत्ता पे रहा भारत को आजादी तो मिली, पर ये मानसिक आजादी नहीं मिली। जो जहां पे जैसे जैसे वीर सत्ता में रहे उनके रोड के निर्माण और उनकी पहचान जारी रही। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि ये मुगल कौन से वीर थे? हमारा मंदिर गिराने वाले लोग वीर थे। अरे घंटा, कायर, और ये लोग अपना अपना ले चुके हैं। एगो आते थे फैजान, कहते थे कि मुगल आए लूटे नहीं भारत, कमाल की बात करते हैं। कह रहे फैजन वहां ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दहेज में लेके आए थे क्या? हमारा ही मुल्क तोड़ा ना। उस पे भी तुर्रा ये कि सीए ला रहे हो तो वहां के मुसलमानों को भी जगह दो ना। हाँ भाई, कहे नहीं, तुम कह रहे हो कि 35% हो जाएंगे तो काटेंगे, प्लस वहां के मुसलमानों को जगह भी दे दें, ताकि तुम, एक शेर याद आ गया, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं उनसे कहूं जनाब आहिस्ता, जनाब हुजूर आहिस्ता। एक कमाल का लॉजिक। अगर आपको मेरे सपने से लगता है कि रिलेशन आपका बन रहा है, अगर आपको लगता है कि वाकई ये शाहीन बाग वही प्रयोग है, तो आप जगिए, वीडियो शेयर कीजिए, बाकी लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा, ताकि विरोधियों का फट के फ्लावर होता रहे।